जुजुत्सु कैसन के मांगा के अंदर लास्ट दो वीक से बहुत सारी चीजें हो रही है, लेकिन लास्ट दो चैप्टर के अंदर हमको गोजो के बारे में कुछ भी पता नहीं चला है। जब से गोजो सुकुना से डिफीट हुआ है तब से गोजो के बारे में हमको इतनी कुछ इन्फॉर्मेशन मांगा के अंदर देखने को नहीं मिली है, और ना ही अभी फिलहाल ऑथर के कोई प्लान दिख रहे हैं कि वो गोजो को वापस मांगा के अंदर लेके आएगा, क्योंकि अभी फिलहाल मांगा के अंदर जो अपना मेन प्रोटैगनिस्ट है यूजी इतादोरी वो बैटलफील्ड के अंदर उतर चुका है, और वहां पर ऐसा लग रहा है कि उसने सुकुना की लास्ट फिंगर को भी खा लिया है। अभी तक ये बात कंफर्म नहीं हुई है, वो तो हमको नेक्स्ट चैप्टर के अंदर ही पता चलेगा। लेकिन अभी हम बात करते हैं कि गोजो हमको कब जाके चैप्टर के अंदर देखने को मिलेगा, क्योंकि गोजो के बारे में तो कुछ अता पता है ही नहीं भाई। गोजो जब से डिफीट हुआ है तब से वो बंदा सीधा गायब भी हो चुका है, और साथ साथ हमको युता के बारे में भी कुछ पता नहीं चला है कि वो गोजो की हेल्प करने के लिए पीछे रुका है या वो कुछ टाइम बाद ही बैटल फील्ड के अंदर उतर जाएगा। क्योंकि गोजो के मरने का दुख तो दो बंदों को ही सबसे ज्यादा होने वाला है, एक तो है अपना युता, दूसरा है अपना यूजी इतादोरी। इतादोरी तो बैटल फील्ड के अंदर उतर चुका है, लेकिन यहाँ पर अभी हमको युता का कुछ भी नहीं पता है कि युता सच में कर क्या रहा है। प्रोबेबली हो सकता है कि युता और शोको मिलके गोजो को हील कर रहे हो, क्योंकि गोजो की भी बॉडी हमको दिखाई नहीं गई है। क्योंकि पहली बात तो है कि गोजो भी वापस आके भी क्या कर लेगा, यहाँ पर तो सुकुना अपना फाइनल फॉर्म के अंदर जा चुका है, और अगर गोजो को वापस ला भी दे तो मुझे नहीं लगता कि ऑथर उसको ओवरपावर बनाएंगे, उसको तो एनपीसी टाइप ही बना देंगे, उसकी सारी की सारी पावर छीन लेंगे। क्योंकि पहली बात तो है कि गोजो अपने आप को हील कर लेता है, या बोल सकते हैं कि युता उसको हील करता है, तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि गोजो फिर से लड़ने की हालत में रहेगा, क्योंकि ऑथर ने भी कुछ समझ के गोजो को फाइट से बाहर कराया। अगर गोजो ही भाई सुकुना से लड़ता रहता तो भाई बाकी बंदों को कभी चांस नहीं मिलता। यहाँ पर अपना इतादोरी भाई साहब जो कि मेन कैरेक्टर होने के बावजूद भी भाई बस बैठ के देखता ही रहता, इसलिए अभी उसको चांस मिल रहा है। जब तक गोजो बाहर है फाइट से तब तक इतादोरी जाके फाइट कर सकता है, और जब तक इतादोरी फाइट नहीं करेगा तब तक उसकी कैरेक्टर डेवलपमेंट तो होगी नहीं, ना ही उसको न्यू पावर अप मिलेगा। ऐसा लगता है कि जो अपना मेन प्रोटैगनिस्ट है वही एनपीसी बन के बैठा है। गोजो का यहाँ पर हेड सही सलामत है, तो मुश्किल से एक बार ही अपनी कोई भी टेक्निक यूज कर पाएगा। अगर वो रिवर्स कल टेक्निक यूज कर पाता है तो मुश्किल से वो पूरा हील हो पाएगा, क्योंकि उसके बॉडी के ऑलरेडी दो टुकड़े हो चुके हैं। अगर युता यहाँ पर गोजो को हील भी कर देता है तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर सेकंड टाइम हमें गोजो की अवेकनिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि भाई साइड कैरेक्टर को कितना ही पावर अप करोगे भाई, यहाँ पर मेन कैरेक्टर के ऊपर भी तो फोकस करेगा ना भाई ऑथर। गोजो का यहाँ पर वापस आने का सेकंड चांस ये है कि उसको अपनी आंखों की या उसको अपनी पावर्स की कुर्बानी देनी पड़ेगी। उसको एक टाइप से बाउंडिंग वाव करना पड़ेगा, उसको एक तो अपनी पावर्स को खोना पड़ेगा, एक तो उसको अपनी आंखों या टांग टूंग कुछ भी खोना पड़ेगा, तभी जाके उसको सेकंड लाइफ मिल सकती है। और ये बात थोड़ी सी सेंस भी बनाती है कि अगर गोजो सच में बाउंडिंग वाव करके वापस आता है तो उसके पास में पावर्स नहीं रहेंगी, और वो भी एक साइड कैरेक्टर बन के रह जाएगा, वो मेन कैरेक्टर के बीच में कभी नहीं घुसेगा। यहाँ पर यही पॉसिबिलिटी है कि गोजो तो वापस आएगा लेकिन उसके पास में कोई भी पावर्स नहीं रहेंगी, और जिसकी वजह से गोजो भी जिंदा रहेगा और अपनी स्टोरी भी आगे बढ़ेगी, और यहाँ पर हमको अपने मेन प्रोटैगनिस्ट के भी कैरेक्टर डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। तो अभी तो फिलहाल गोजो के कमबैक के बारे में इतना मत सोचो, गोजो हमको आराम से 5-6 चैप्टर के बाद ही देखने को मिल सकता है, उसकी भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर कम ही है, क्योंकि अभी मेन फाइट शुरू होने वाली है जहाँ पर अपना मेन प्रोटैगनिस्ट फाइट के अंदर उतर चुका है, और यहाँ पर बाकी भी ढेर सारे कैरेक्टर्स है जिनको भी ऑथर एक एक करके फाइट के अंदर उतारेगा। और मेरे हिसाब से हमें आगे आने वाले कुछ चैप्टर्स के अंदर यूजी इतादोरी का कुछ तो भी पावर अप देखने को मिलेगा, क्योंकि उसको अभी तक ऐसा कोई मेजर पावर अप नहीं मिला है, और यहाँ पर सुकुना तो अपने फाइनल फॉर्म के अंदर आ चुका है, तो उसको रोकने के लिए किसी को तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो चलो गाइस, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आ गया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।